विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रूपए, नकद या आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, पीएनजी, जॉनसन एंड जॉनसन, एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब, गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल। मोनोगोर जमनी इंतखाबात से पहले अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद राजगोपाल रेड्डी के बीजेपी में शामिल होने के साथ केसीआर हुकूमत को उखाड़ फेंकने की तैयारी शुरू हो गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को तेलंगाना के मोनोगोड असम्बली हलके में एक अवामी रैली का इनेकाद किया, जिसमें के चंद्रशेखर राव की क्यादत वाली हुकूमत पर तनकीद की गई। इस इलाके में जल्द ही जमनी इंतखाबात होने वाले हैं। मैदान में मौजूद तमाम सियासी जमातों ने भरपूर मुहिम शुरू कर दी है। पेश है A18 तेलंगाना न्यूज से ये खसूसी रिपोर्ट। ऐसे मेरे मित्र श्री राजगोपाल रेड्डी, ताली बजाओ भाई। हूँ इस विधानसभा में उपचुनाव रेड्डी जी को जिता दो, मैं गारंटी देता हूँ केसीआर की भ्रष्टाचारी सरकार यू चली जाएगी। वो वादा खिलाफी करने वाली कंपनी है। उन्होंने कहा था तेलंगाना के हर बेरोजगार युवा को 3,000 रुपया देंगे, आपको मिलता है क्या? जोर से बोलिए, मिलता है क्या? अगर TRS की सरकार होगी तो हम एक दलित को, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे दलित भाइयों, अब तक तो नहीं बनाया, फिर से अगर इनको चुनोगे तो KCR की जगह KTR आएगा, दलित नहीं बनेगा। मेरी बात याद रखना।